बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं व्यूवर्स। ब्राउन नाइफ लेकर आया है वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी जो कि आपको लाहौर की स्ट्रीट्स में बहुत ज्यादा मिलती है, चटहारा चिकन की रेसिपी, और इसे ज्यादातर लोग तवा चिकन भी कहते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो चले। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब चिकन ले लिया है और इसके अंदर मैंने डीप कट्स लगा लिए। आपने डीप कट्स ही लगाने हैं और इसे चारों साइड्स पर डीप कट्स लगाने हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जहां जितने कट्स लगाने हैं तो लगा सकते हैं। कट लगाने से इनके अंदर मसाला अच्छी तरह रच जाता है। इसे एक बाउल के अंदर रखेंगे, फिर इसके अंदर हम लोग 2 से 3 टेबल स्पून टिक्का मसाला डालेंगे, हसबे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1 लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छी तरह मसाज करेंगे, और कट्स के अंदर तक हम लोगों ने मसाले को मसाज करना है। फिर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके साइड पर रखेंगे और 1 कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करें और मैरिनेटेड चिकन डालें, और मैरिनेटेड चिकन डालकर हम इसे अच्छी तरह शैलो फ्राई करेंगे, और इसे तब तक शैलो फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर शैलो फ्राई ही कर रहा हूँ। जैसे इसका कलर चेंज होता है तो इस चिकन को हम एक प्लेट के अंदर निकाल कर साइड पर रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तो इसमें क्या होएगा कि इसके जूसेस हैं जो इनसे चिकन रिलीज करेगा, इसे बाद में पकाने से और ज़्यादा मज़ेदार ये बन जाएगा। तो इसे साइड पे रखते हुए तब तक हम एक बाउल के अंदर 750 ग्राम दही डालेंगे। उसको अच्छी तरह बीट करने के बाद 1 खाने का चम्मच काली मिर्च क्रश की हुई, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और हसबे ज़रूरत नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और याद रखें कि दही जो भी लेना है आपने, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ दही होना चाहिए। तो एक और कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालें, फिर इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालें, फिर इसमें आधी प्रिपेयर्ड की हुई दही वो डालेंगे हम। आपने एक साथ पूरी नहीं डालनी, आधी डालनी है, और इससे आधी डालने के बाद इसको कवर करें और अच्छी तरह कुक करें। तब तक कुक करें जब तक दही ड्राई नहीं हो जाती। फिर इसमें साइड चेंज कर इसमें जो बाकी की दही है वो डालेंगे और फिर कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह कुक करें। जैसे दही ड्राई होती है तो थोड़ी सी फिर इसमें 6 से 7 सब्ज मिर्चें डालें। आप सब्ज मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको तीखापन चाहिए। तो फिर जैसे ही ये बिल्कुल दही ड्राई हो जाती है तो हम इसे सर्व करते हैं रुमाली रोटी के साथ, क्योंकि तवा चिकन है जौन सा वो ज़्यादातर रुमाली रोटी के साथ ही सर्व किया जाता है। आप देखें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी जो कि लाहौर की अपनी ईजाद है, और ज़्यादातर ये आरफ चटहारा की ही रेसिपी है। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो आरफ चटहारा से भी ज़्यादा बेस्ट रेसिपी आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप।